योगी सरकार में एक बार फिर दबंगों की दबंगई सामने आई है। जर्जर दीवार गिरने के बाद गाली गलौज करते हुए पुलिस बुलाकर पीड़ित को गिरफ्तार करा दिया। पूरा मामला तहसील भोगनीपुर क्षेत्र गांव चौरा का है, जहां चौरा गांव निवासी राम कुमार द्वारा बताया गया है कि वह अपनी जमीन पर निर्माण का कार्य कर रहा था, जहां निर्माण कार्य हेतु खुदाई करने के दौरान उसकी जमीन के आगे कालपी निवासी नफीस, जो कि वर्षों से पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध कब्जा करके दीवार खड़ी किए हुए है, जो कि वर्तमान में वो दीवार जर्जर हो गई थी, इस वजह से गिर गई। नाराज कालपी निवासी दबंग नफीस ने पीड़ित परिवार को गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए कोतवाली भोगनीपुर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरे भाई को थाने में बंद कर दिया, जहां पीड़ित द्वारा बताया गया कि वह अपनी ज़मीन पर निर्माण कार्य कर रहा था। वहीं दबंग नफीस ने हमें और हमारे परिवार को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय हमारे भाई पे ही कार्रवाई कर दिया और उसको बंद कर दिया, जहां कोतवाली भोगनीपुर पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई से आहत पीड़ित ने अपने परिवार समेत क्षेत्र अधिकारी भोगनीपुर से न्याय की गुहार लगाते हुए फरियाद की है, जहां पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र अधिकारी ने भोगनीपुर में पीड़ित को हर संभव न्याय दिलाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चौरा गांव के नज़दीक, जहां पर ये लगातार एक ऐसा मामला नज़र आ रहा है कि गरीब होना ही आज के समय अपराध है। यहां पर गरीबों के लिए बनी सरकार ही आज उनकी आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर नज़ारा दिखाएं कि ये पूरी ज़मीन इन्हीं लोगों की ज़मीन है और यहाँ पर अपना निर्माण कार्य करा रहे थे, ये नी खोदी गई थी। मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये पूरी ज़मीन इसी पीड़ित की, पीड़ित बता रहा है ये ज़मीन पूरी मेरी है और यहाँ निर्माण करवाने के दौरान यहाँ पर नी खोदी गई थी, लेकिन बरसात के दौर में ये एक पुरानी दीवार गिर गई, जिससे नाराज कालपी निवासी नाराज हुए और कोतवाली भोगनी पुलिस को फ़ोन करके बुलवा लिया और इनके भाई इनके पति को जेल में बंद करवा दिया गया। जानकारी मिली कल शाम की पुलिस आई थी, बंद करे अभी तक छोड़ा भी नहीं है, ना कोई चालान किया गया है। इनसे बात करेंगे, क्या पूरा मामले की आपका? राम कुमार, कहाँ के रहने वाले? चौरा के। क्या मामला हो गया अभी? मामला जी है, हम अपनी ज़मीन में वो इन्हीं बता रहे थे और ये घनी दीवार थी, इनसे हमने कहा था हटाने नहीं हटाई, तो हमने बताया था उनसे कि हम भाई नी भरा रहे हैं, तो नी भराते टाइम वो दीवार जिस दिन नी खोदी उसके दूसरे दिन पानी बरस गया, तो नी गई वो उनकी दीवार बसक गई, बसने के बाद में ये आए हमको गाली गलौज बके नफीस कालपी के, कालपी के, और फिर हमको गाली गलौज बकी। हम शांत रहे, नहीं कुछ बोले, हमने कि भाई हम नहीं लड़ सकते आपसे। इसके बाद में हमारे भाई को बंद करवा दिया थाने में, अब जिस बदौलत बंद कराया वो बंद किए गए थे कल के दिन शाम को, कल पुलिस आई थी, पुलिस हाँ भाई को उठा ले गई। किस थाने गई थी? ये भोगनीपुर थाने की। हाँ, और हमको जान से मारने की धमकी भी दी। धमकी दी? हाँ जी। किसने? नफीस ने। नफीस ने। क्या कहा उन्होंने? कहा था मेरे बच्चे थे ना, बेटा क्या कह रहा था? कह रहा था घर से उठवा लेंगे। क्या कह रहा था? घर से उठवा लेंगे। हाँ, कह रहा था अगर ज्यादा वो करी तो हम घर से उठा लेंगे और तुम्हारे खेत में कब्जा करके हम दिखाएंगे, और जिसको जो कुछ करना हो करके हम दिखा दे, मेरा कोई बायका बाल नहीं कर सकता है। इसमें नी खुदवाई गई थी तो पानी गिर गया दूसरे दिन। हाँ। ये गिर गई घुनी दीवार थी और उन्होंने मारने की धमकी दी, गाली गलौज कर लिया, फिर मेरे पति को बंद कर दिया कल। आपके पति को बंद कर दिया गया शाम को 7-8 बजे के लमसम 7 बजे तक। ये नी आपने खुदवाई थी और ये जो जगह बनी है अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है मतलब। अच्छा।